इस वीडियो में मैं आपको सेवन सीटर्स, मेरे पास जो चार पांच प्रोडक्ट अवेलेबल है वो आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और वो कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्या क्या हैं, वो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उसके बीच में एक दो छोटे प्रोडक्ट्स भी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्कॉर्पियो का मेंटेनेंस ज़्यादा है, तो आप M2 DI में क्या होता है कि मेंटेनेंस इसमें इंजन का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बुलेरो का इंजन फिट है, तो इसमें माइलेज भी जो मिलेगा आपको जो बुलेरो देती है जस्ट लाइक उसके आसपास मिलेगा। और कोई एक्सीडेंटल वगैरह क्लेम नहीं है, आप पूरी कंपनी में चेक करवा सकते हैं, आपके मैकेनिक से भी चेक करवा सकते हैं, उसके बाद अपन इसकी डील फाइनल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आप ही के अपने चैनल MP09 इंदौर पे। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेवन सीटर का काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक खड़ा है लग्जरी कार डील्स पे, तो हम आज वापस से आपको इस वीडियो में पूरा सेवन सीटर स्टॉक दिखाने वाले हैं। और एक गाड़ी सेडान भी खड़ी है, काफ़ी लग्जरी सेगमेंट में गाड़ी खड़ी है, तो इसकी भी डिटेल्स इस वीडियो में हम बता देंगे। आज इस वीडियो में जुड़ने वाले हैं अभिजीत भैया। अभिजीत भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लग्जरी कार डील्स इंदौर में। जी अभिजीत भैया, आज इस वीडियो में क्या रहने वाला है? इस वीडियो में मैं आपको सेवन सीटर्स, मेरे पास जो चार पांच प्रोडक्ट अवेलेबल है वो आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और वो कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्या क्या हैं, वो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उसके बीच में एक दो छोटे प्रोडक्ट्स भी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। तो स्टार्टिंग कौन सी गाड़ी से? स्टार्टिंग अपन सबसे पहले जो फ्रंट में खड़ी उसी पे आ जाते हैं। ओके, मेरे पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि वैगनार है, 2010 मॉडल्स, LXi वर्जन अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। MP09 का प्रोडक्ट है, AC पावर स्टेयरिंग, 2-door पावर विंडो के साथ में है, प्योर पेट्रोल, 71,000 किलोमीटर आसपास रन है, चारों टायर वेल मेंटेन है इसके। और इसकी जो प्राइस है वो मात्र 2,40,000 रुपये आ रही है। 2,40,000 में 2010 की, 2010 की वैगनार न्यू शेयर, और नेगोशिएट भी हो जाएगा, नेगोशिएशन भी हो जाएगा सर। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे सामने खड़ी है, मेरे पास एक और अवेलेबल है जो कि स्कॉर्पियो है। ये अपने ग्रामीण के लिए सबसे अच्छी इसलिए है क्योंकि ये जो मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है M2 DI इंजन में अवेलेबल है जी। 2011 का फर्स्ट ऑनर प्रोडक्ट है, M2 DI में चारों टायर इसके ब्रांड न्यू डले हुए हैं, AC पावर स्टेयरिंग, चारों पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, सारी चीज़ें अवेलेबल है। नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है जो, और करीब करीब इसका जो रनिंग है वो 130 के आसपास में है, 1,30,000 किलोमीटर के आसपास रन है जी। और इसकी जो आस्किंग आ रही है मात्र 4.5 लाख रुपए है। ओके, 4.5 लाख रुपए में ये M2 DI की स्कॉर्पियो ले सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्कॉर्पियो का मेंटेनेंस ज़्यादा है, तो आप M2 DI में क्या होता है कि मेंटेनेंस इसमें इंजन का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बुलेरो का इंजन फिट है, तो इसमें माइलेज भी जो मिलेगा आपको जो बुलेरो देती है जस्ट लाइक उसके आसपास मिलेगा। और इसमें मेंटेनेंस इसलिए कम आएगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत सादा है जी। MOK वगैरह रहता तो इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस आता। ओके, मतलब कि सादा है, इंजन वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये। ओके, इस पर अगर डाउन पेमेंट की बात करें तो? डाउन पेमेंट की बात करूँ तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए से आसपास डाउन पेमेंट जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने मेरे पास एक और अवेलेबल है, एस्कोडा की मेरे पास रैपिड अवेलेबल है जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, 2015 का सेकेंड ऑनर प्रोडक्ट है, 79,000 चला हुआ, डीजल वेरियंट है, और इसकी जो प्राइस आ रही है मात्र 5,25,000 रुपए में। ओके, 5,25,000 में यहाँ पे जिस ऑटोमेटिक भाई को भी ऑटोमेटिक में लग्जरी सेगमेंट में जाना है, हम लग्जरी कार्स डील पे लग्जरी गाड़ियाँ लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए। एक बार तो मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि होंडा का मोबिलियो है, 2015/16 का प्रोडक्ट है, प्योर पेट्रोल प्रोडक्ट है, 30,000 किलोमीटर ओरिजिनल इसका रन है, पाँचों टायर इसके कंपनी सेटअप के हैं, MP09 नंबर की पेट्रोल वर्जन, 1.5 लीटर का इंजन है इसमें। आप देख सकते हैं कि इसमें AC पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम सभी मिलने वाला है। इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसको घर में रखना चाहते हैं, जीरो मेंटेनेंस की गाड़ी है, आप CNG कराना चाहें तो CNG भी इसमें करवा सकते हैं। और इसकी जो प्राइस आ रही है मात्र 5,75,000 रुपये आ रही है। 5,75,000 में सेवन सीटर मोबिलियो, वो भी 2015-16 मॉडल, 15 से 16 मॉडल, यानी कि 16 मॉडल पकड़ के चल सकते हैं। उसके 16 है। ओके, सेकंड एक और मेरे पास अवेलेबल है, ट्रिबर अवेलेबल है जो कि 2020 मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है, प्योर पेट्रोल प्रोडक्ट है, 21,000 किलोमीटर रन है, MP04 भोपाल नंबर की पासिंग है जी, AC पावर स्टीयरिंग है, इसमें म्यूजिक सिस्टम है, सेंट्रल लॉकिंग है, 21,000 किलोमीटर इसका रन है, और बीमा इसका फर्स्ट पार्टी का अवेलेबल है। इसकी जो प्राइस आ रही है मात्र 5,75,000 रुपये। 5,75,000 में नेगोशिएट रहेगा और 1 से 1.25 लाख के डाउन पेमेंट पर आप इजीली ये गाड़ी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं एक वरना दिखाना चाहूँगा। वरना जो मेरे पास अवेलेबल है 2013 का मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है, 1.6 SX मॉडल है, उसके चारों टायर मिशलिन कंपनी के हैं, 76,000 ऑन रिकॉर्ड प्रोडक्ट है, पूरा अवेलेबल है,
और इसकी जो प्राइस आ रही है वो मात्र 5,25,000 रुपये आस्किंग प्राइस है। ओके, 5,25,000 में यहाँ पे आप वरना भी लेके जा सकते हैं 2013 की टॉप SX 1.6। जी बिल्कुल, एक और अवेलेबल है मेरे पास में, अर्टिगा अवेलेबल है जो कि 2014 का फर्स्ट ऑनर डीजल वेरियंट है, VDI वेरियंट है, MP09 नंबर की गाड़ी है। इसमें आपको जो मिलने वाले हैं, इसके अंदर बैटरी नहीं मिलने वाली है, इसके अंदर इंश्योरेंस अभी रिसेंटली हुआ है, चारों टायर अच्छे हैं, इंटीरियर का क्लास है, 2014 की फर्स्ट ऑनर, मात्र 7,25,000 रुपये डिमांड है। ओके, 7,25। और कोई एक्सीडेंटल वगैरह क्लेम नहीं है, आप पूरी कंपनी में चेक करवा सकते हैं, आपके मैकेनिक से भी चेक करवा सकते हैं, उसके बाद अपन इसकी डील फाइनल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने एक और अर्टिगा खड़ी। एक और अर्टिगा मेरे पास अवेलेबल है जो कि 2012 का प्रोडक्ट है, VXI वेरियंट है, सेकेंड ऑनर है, RTOS का सेकेंड ऑनर पर इंदौर है, प्योर पेट्रोल प्रोडक्ट है, ओरिजिनल 95,000 किलोमीटर के आसपास इसका रन है, वही VXI में AC पावर स्टेयरिंग, चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, सभी चीज़ें मिलने वाली है इसके अंदर, और इसकी जो प्राइस है मात्र 4,95,000 रुपये। ओके, 4,95,000 में प्योर पेट्रोल, जिसमें आप CNG भी कराना चाहें तो वो भी हो सकती है। ओके, और माइलेज भी काफ़ी, माइलेज भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। ओके, एक और प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है जो कि 2019 का WRV है जी। ये 2019 की 04 नंबर की है, भोपाल नंबर गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर प्रोडक्ट है, 78,000 किलोमीटर ओरिजिनल ऑन रिकॉर्ड कंपनी की गाड़ी है ये, AC पावर स्टेयरिंग, चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम, सभी चीज़ें S वेरिएंट है, अलॉय व्हील भी है इसके अंदर जी। इसकी जो प्राइस आ रही है मात्र 8,50,000 रुपये। 8,50,000 में यहाँ पे WRV, ये डीजल वेरियंट है जिसका एवरेज भी करीब करीब 22 से 25 के बीच में आता है, 6 गियर गाड़ी है। ओके जी, तो थोड़ा बहुत बताइए अपने लग्जरी कार डील्स के बारे में कि कस्टमर यहाँ आए तो क्यों आए, मतलब आपकी गाड़ियों में कैसी क्या क्वालिटी वो है? तो देखिए कस्टमर ही बताएगा कि उसको क्या चीज़ अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। अपनी तारीफ तो खुद तो नहीं करते अपन, बिल्कुल कस्टमर करे तो ज़्यादा अच्छी बात है, पर अपन यही श्योरिटी रहती है कि अपने यहाँ पे गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल मिले, कस्टमर को कोई भी गाड़ी ले जाते से किसी मैकेनिक के पास जाके खड़ा ना होना पड़े कि उसको ले जाते से कोई काम कराना है, एटलीस्ट उसको साल भर तो वो चीज़ प्रोडक्ट अच्छी लगना चाहिए चलाने के मामले में। और दोस्तों आपने ये अगर लग्जरी कार डील्स पे विजिट किया है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि आप लोग यहाँ आए हैं तो आपको किसका व्यवहार ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी ये डेली स्टॉक हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।